श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आप लोगों का प्यार लगातार हमको मिलते रहता है, कमेंट बॉक्स में आपको जो फायदा होता है उसको भी आप लिखते हैं। ये एपिसोड लगातार हमें प्रश्न आते रहते हैं कि गुरु जी ये बताइए कि शादी कब होगी, क्या शादी में क्या दिक्कत आ रही है, शादी कैसे हो। तो हम आपके विवाह के योग के बारे में बताएंगे कि ये राशि वाले जातक क्या करें कि विवाह हो जाए। तो आज हम मेष राशि से प्रारंभ करेंगे कि मेष राशि वाले जातक कि विवाह यदि करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या करने से उनके विवाह के जो संयोग हैं, विवाह के योग जो हैं वो बनेंगे। देखिए, मेष राशि वाले जातक यदि आप की आयु 22 वर्ष हो चुकी है तो आपको ये सारे कार्य करने होंगे। सबसे पहले ये आप मुक्त रूप से जानिएगा कि आपकी आयु 22 वर्ष होनी चाहिए, उसके बाद ये कार्य करेंगे तो उसका फलाफल आपको मिलेगा 22 वर्ष के बाद। ये व्यक्तियों को क्या करना है, मेष राशि वाले जातकों को आपको भगवती की पूजा करनी है। षष्ठी तिथि को, षष्ठी तिथि को शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों षष्ठी की तिथि को माँ की पूजा करें और माँ कात्यायनी के स्वरूप में उनकी पूजा करनी है। और पूजन के मध्य में उन्हें सारे श्रृंगार के सारे सामान को अर्पित भी करना है। और जब पूजा करके आप उठें और वो श्रृंगार का सारा सामान जो माँ को अर्पित करते हैं, वो श्रृंगार का सारा सामान लेकर आप किसी भी सुहागवती नारी को वह सामान दे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि आपकी का विवाह शीघ्र हो जाए। साथ ही साथ आपको माता कात्यायनी की पूजन में जो भोग लगाना है उसमें गुड़ जरूर प्रयोग करेंगे मेष राशि वाले जातक। गुड़ का प्रयोग उन भोग लगाने में आपको निश्चित तौर पे करना है। तो आप गुड़ का प्रयोग करेंगे और जो श्रृंगार का सारा सामान जो आपने माता कात्यायनी की पूजन में अर्पित किया उन सामानों को लेकर आप किसी सुहागवती नारी जो आपसे बड़ी हो उनको अर्पित करेंगे। आप पुरुष हैं तो आपको भी यही करना है और साथ ही साथ उस दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और क्षमापन स्तोत्र। क्षमापन स्तोत्र जब आप पढ़ें तो आपके हाथ में लाल फूल होना चाहिए। यदि आपके हाथों में लाल फूल है और तब आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो और आप क्षमापन स्तोत्र करते हैं तो इस कार्य की पूर्ण प्राप्ति होगी। तो विवाह के लिए मेष राशि वाले जातकों का मैंने बहुत सरल उपचार बताया कि क्या करना है और ध्यान रखें कि किसी भी नवविवाहित दंपति को आपके द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।